नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। जन जन की तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने शामिल होकर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। फ्रीगल टावर चौराहे से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में संरक्षक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रीय वेशभूषा में पगड़ी पहने हुए थे। प्रधानमंत्री के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन की जनता ने एकजुटता और राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया। यह पहली तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1000 से अधिक बच्चे व विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं शामिल हुए। बच्चे जहां क्रांतिकारियों की वेशभूषा में थे, वही हाथों में तिरंगा थामे शहरवासी देशभक्ति के नारे लगा रहे थे। टावर चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जो तीन बत्ती चौराहा, देवास रोड, पुलिस ऑफिसर्स मेस, संजीवनी हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम, फ्रीगंज होते हुए शहीद पार्क पर समाप्त हुई। यहां बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। प्रतिभा संगीत कला संस्थान के कलाकारों की प्रस्तुति, निनाद नृत्य अकादमी व पलक पटवर्धन ग्रुप द्वारा नृत्य, रजनी दीदी के लाठी ग्रुप द्वारा लाठी प्रदर्शन, ज्वलन शर्मा अमित शर्मा म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति, रॉक डांस एकेडमी की प्रस्तुति, रैली के आकर्षण डीजे बैंड, घुड़सवार, भारत माता, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह की वेशभूषा में शासकीय व गैर शासकीय स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश चटवाल, अध्यक्ष विवेक जोशी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक लोग शामिल हुए। साथ ही सामाजिक संस्थाएं और स्कूल व कॉलेज के बच्चों ने भाग लिया। आज हमारा अखंड भारत दुर्भाग्य से आज के दिन भारत का बड़ा हिस्सा टूट करके पाकिस्तान बना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी आज ही के दिन है, लेकिन हम कामना करें परमात्मा से आज नहीं तो कल वापस हमारा भारत अखंड हो। उस नाते से ये हमने आयोजन किया है। हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत पुनः अखंड सांस्कृतिक रूप से इकट्ठा बने, हम सब ये कामना करें। और भारत की ये जो आज़ादी है, न केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि विश्व की मानवता को स्थापित करने के लिए है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने जो अमृत महोत्सव का आयोजन करने का मौका दिया, उनका आभार भी मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने, यशस्वी मुख्यमंत्री ने सबने आह्वान किया कि ये सभी वर्गों को लेकर के उत्साह, उमंग और एक जुलूस का वातावरण, एक उत्साह का
ऊर्जा का वातावरण बनाना चाहिए। उस नाते से हमने 13 तारीख के दिन कवि सम्मेलन और सांसद जी की तिरंगा यात्रा निकाली। आज 14 तारीख के दिन यहाँ टावर चौरा से शहीद पार्क तक का तिरंगा यात्रा निकाली और 15 तारीख के दिन कल झंडा वंदन सवेरे करते हुए शाम को संगीत का देशभक्ति गीतों का